हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चेक क्लास, फर्स्ट क्लास? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या चीज होती है आज हम इसको अच्छे से समझते हैं, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर इसके आते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो मैट्रिक्स है इसमें क्वेश्चन जो आएंगे कैसे करना है, उनको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों क्या है मैट्रिक्स? एक तरह का एरे होता है। क्या है ये? एक एरे है। एरे का मतलब अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट समझते हैं ना, व्यवस्थित करना किसी चीज को, क्रम से लगाना। तो मैट्रिक्स क्या है? एक एरे है या अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी नंबर को या फंक्शन को, किसी नंबर या फंक्शन को किसमें एक डेटा वाइज, डेटा का मतलब रो और कॉलम वाइज लिखते हैं। किसमें? रो और कॉलम वाइज लिखते हैं। फिर से समझते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम नंबर को या फंक्शन को, और नंबर कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, रियल नंबर मतलब मान के चलते हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों तरह के नंबर लिख सकते हैं और किसी फंक्शन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसमें? एक कॉलम और रो वाइज। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये एक तरह का एरे है, अरेंजमेंट है। तो कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पे तीन नाम लिखे। ठीक है, तीन लोगों के नाम लिखे। कि ऐसा था कि स्कूल में या कोचिंग में टेस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए मैथ्स का और केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, या मैथ्स या फिजिक्स का टेस्ट हुआ। ठीक, जिसमें से तीन बच्चे, जो तीन बच्चे थे टॉपर, उनके नाम लिखे गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे लिखे गए। टेस्ट किसका हुआ? मैथ्स का टेस्ट हुआ और फिजिक्स का टेस्ट हुआ। ठीक, और जो तीन बच्चे थे उनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए नाम लिख लेते हैं, एक सोनू है, ठीक, फिर एक मोनू है और एक राम। ठीक, तीन बच्चे हैं, सोनू, मोनू और राम। इन तीन बच्चों का टेस्ट होता है किसका? मैथ्स का और फिजिक्स का, जिसमें इनके नंबर लिखते हैं। तो मान लीजिए सोनू जो मार्क्स पाया, 90 मार्क्स पाया मैथ्स में और फिजिक्स में पाया 80। ठीक है, मोनू जो है वो पाते हैं मैथ्स में लेट्स से 84 पाया और ये पाया 75। ठीक, राम जो है वो पाया 94 मैथ्स में और फिजिक्स में वो पा गया मान लीजिए 62 पा गया। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, जो डेटा था ये, इसको इस तरह के ब्रैकेट में, ये दिख रहा है ये ब्रैकेट, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इसमें लिख दिया हमने, ये जो डेटा था ना, ये जो नंबर है, इसको मैंने एक तरह के ब्रैकेट में लिख दिया, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लिख दिया गया। अब बात को ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन चल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे देख रहे हैं 90 80 ऐसे चल रहा है। ठीक, इसको बच्चों बोलते हैं रो वन, ये रो होती है, ऐसे चल रही ना, ये इसको पढ़ते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइन चल रही है इसको पढ़ते हैं कॉलम। ठीक, बात समझ लो। तो ये आपकी रो वन हो गई, ये क्या हो जाएगी? रो टू हो जाएगी और ये हो जाएगी रो थ्री। आई बात समझ में? और ये जो ऐसे लाइन चल रही है सीधी सीधी एकदम वर्टिकल, इनको कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम वन हो जाएगा और ये कॉलम टू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कितनी रो है, तो आप बताओगे सर तीन रो है और कॉलम कितने हैं? दो कॉलम है, तो इनको ऐसे बोलते हैं 3/2। क्या बोलते हैं? 3/2। 3 का मतलब 3 रो और 2 का मतलब 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 3/2 का। अभी हम आगे समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले सिंपल सी इंफॉर्मेशन समझते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये मैंने डेटा लिखा। अब मैं पूछूं इसमें बताओ भाई कि सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में नंबर किसके हैं, तो आप आराम से बता सकते हो राम के, है ना, 94 नंबर पाया। क्यों? क्योंकि डेटा बन गया, एक अरेंजमेंट हो गया जिसमें आप आसानी से बता सकते हो ना। अच्छा, इसको चाहो तो आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, जैसे इस तरह से ना लिख करके, चलिए मैं इसको एक तरीके से और लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने मैथ्स लिख दिया, ये लिख दिया फिजिक्स। ठीक, और ये जो तीन नाम थे सोनू, मोनू और
राम, सोनू मुनु राम। ठीक, अब बताओ मैथ्स में सोनू के मार्क्स कितने हैं? 90 मार्क्स हैं। और फिजिक्स में कितने हैं? 80 मार्क्स हैं। मोनू के 84 मार्क्स हैं और फिजिक्स में 75 मार्क्स हैं। राम के 94 मार्क्स हैं मैथ्स में और 62 मार्क्स हैं फिजिक्स में। अब देखो ये डेटा मैंने इस तरह से लिख दिया ना, ब्रैकेट में लिख दिया, बात समझ में आई। अच्छा अब मैं पूछूं यहां पे बताइए रो कितनी है, तो आप ऐसे बताओगे सर ये रो 1 है और ये रो 2 है, ऐसे तो बोलोगे। और अगर मैं पूछूं कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? देखिए यहां पे रो कितनी है, रो तो 2 है और कॉलम कितने हैं? 3 है, तो ये हो गया 2/3। तो ये लिखने का एक तरीका है, लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मैट्रिक्स हमें क्या बताता है? मैंने क्या बताया अभी, मैट्रिक्स हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना सिखाता है, अरेंज करना सिखाता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं? नंबर्स। ये देखिए नंबर है ना, हम उसको किसमें लिख रहे हैं? रो और कॉलम वाइज लिख रहे हैं, रो और कॉलम वाइज लिख रहे हैं। और ये नंबर कुछ भी हो सकते थे, ठीक है, ये तो मैंने मैथ और फिजिक्स के मार्क्स लिखे हैं इसलिए ऐसे लिखे हैं। आप चाहो तो उसमें मतलब कोई भी तरीके से 75.5 ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी तो नंबर आ सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी तरह का नंबर भी लिखा जा सकता है और इसमें फंक्शन भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आई मैट्रिक्स क्या चीज है? अच्छा दूसरी चीज मैट्रिक्स बेटा, ये जो एक चीज और है, इसका यूज लीनियर जो होती है ना, लीनियर प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने में यूज किया जाता है। जैसे दो वेरिएबल की लीनियर प्रॉब्लम होती थी उनको तो आप सिंपल सॉल्व कर लेते थे, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे ना लीनियर प्रॉब्लम, ऐसे होता था, याद कीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, ये होता था ना 2x plus 3y is equal to 7, और यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा 7x minus 9y is equal to 18, ऐसे करके नंबर दिए होते, तो आप इनको सिंपली सॉल्व करते थे, याद आ रहा है? ठीक है, हम इसको करने के हमने चार मेथड पढ़े थे क्लास 10th में, है ना, वो ग्राफ मेथड होता था, फिर एलिमिनेशन होता था, सब्स्टिट्यूट होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चार मेथड पढ़े थे। तो ये तो दो वेरिएबल के लिए तो ठीक था वो, लेकिन दो से ज्यादा वेरिएबल, मान लीजिए 3 वेरिएबल आ जाए, 4 वेरिएबल आ जाए, 5 वेरिएबल आ जाए, और बहुत ज्यादा वेरिएबल 10 वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा 3 से 4 वेरिएबल के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगी, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये लीनियर इक्वेशन पता है ना, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स का यूज कहां कहां पे होता है? पहली चीज तो मैथमेटिक्स में तो होता ही है भाई, मैथ्स में होता है तभी तो हम पढ़ रहे हैं, और इसका कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा यूज होगा, और के अकाउंट्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ठीक है, बहुत सी फील्ड्स हैं जहां जहां पे डेटा की जरूरत पड़ेगी ना ऐसे रो और कॉलम वाइज लिखने के लिए, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। आई बस समझ में? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। बच्चों मैट्रिक्स में जितने भी ये नंबर्स होते हैं ना, अभी इनको किस में लिखते हैं? इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इसके अंदर लिखे जाते हैं। अच्छा, और मैट्रिक्स में इसको जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं ना, अल्फाबेट्स पर लेटर होते हैं, ABCD, तो AB किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बेटा जो नंबर्स लिखे जाते हैं, जो भी नंबर लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पे एक नंबर लिखा, ये नंबर, इस नंबर की पोजीशन को बोलते हैं A11, यहां पे है ना पहला नंबर जो होता है, फिर A12, A13, इसी तरह ये चलता चला जाएगा, डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा? A1n तक चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में आगे भी लिखेंगे, जैसे A21, A22, A23, डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये A2n तक जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हो A31, A32, A33, डॉट 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 A3n। तो ये कहीं तक भी हो सकता है, M नंबर तक। ठीक है, जैसे मैं इसको आगे बढ़ा लूं तो मैं ऐसे लिखूंगा A M1, A M2, A M3,
डॉट 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 ये कितना आएगा, ए एम एन तक आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये सब बच्चों क्या लिखे हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये सब क्या कहे जाएंगे, हाँ एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप देखो यहां पर अगर मैं देखूं नंबर ऑफ रो, रो की बात करूं कितने रो है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपकी रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, तो कितने रो है यहां पर, आर एम, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो कितनी है, एम है। ठीक, अच्छा अगर मैं कॉलम की बात करूं, जैसे ये कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, कॉलम थ्री हो गया, तो यहां पे कितने कॉलम हो गए, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रोज तो एम हो गए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब मैं इसका आपसे अगर ऑर्डर पूछूं, बताइए इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, बात को समझिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होगा, एम क्रॉस एन, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, और रोज को पढ़ते हैं एम। ठीक, एम क्रॉस एन, बात समझ में आई। अच्छा एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर किसी, जैसे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट उठा लिया, ठीक, ए थ्री टू, ध्यान से देखिए ये लिखा है ए थ्री टू। ठीक, बात समझ में आई, ये थ्री जो नंबर है, ये थ्री ये बताता है किसकी, रो की पोजिशन, किसकी पोजिशन बताता है, पोजिशन ऑफ रो, ये रो की पोजिशन को बताता है। और ये जो टू लिखा है ये किसकी पोजिशन को बताता है, पोजिशन ऑफ कॉलम, किसकी पोजिशन को बता रहा है, ये कॉलम की पोजिशन को बताता है, ये कॉलम ये रो। तो ये थ्री का मतलब क्या, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेक करो, एक दो तीन, थर्ड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम एक दो देखो सेकंड कॉलम में, तो ये थ्री, ये थ्री हो गया रो और ये हो गया कॉलम। ठीक, अच्छा इसको लिखते कैसे है, जैसे थ्री टू है तो इसको ऐसे बताते, थ्री को हम लोग ऐसे बोलेंगे आइथ रो, क्या पढ़ेंगे, आइथ रो, और ये जो टू है ना टू, इसको ऐसे बोलेंगे जेथ कॉलम, क्या बोलेंगे, जेथ कॉलम, आइथ रो जेथ कॉलम। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं हम, ए आई जे, क्या बोल सकते हैं इसको, ए आई जे, बात समझ में, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, जेथ कॉलम, आयथ सॉरी आयथ रो एंड जेथ कॉलम, बात समझ में आई। कोई भी यहां पे नंबर लिख लो, जैसे मान लो मैं कोई, जैसे 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 मान लो मैं ये अलग नंबर लेता हूं, ठीक है, मैंने लिखा ए थ्री थ्री, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो देखो एक दो तीन, थर्ड रो में आ रहा है, और थर्ड कॉलम एक दो तीन, थर्ड कॉलम। तो ये जो नंबर है ना, पहला नंबर क्या बताता है, जी हाँ किसकी पोजिशन, रो की पोजिशन, और दूसरा नंबर क्या बताता है, हाँ किसकी पोजिशन को, कॉलम की पोजिशन को। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करें, यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं बच्चों, एम है, ठीक, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो एन है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एम क्रॉस एन, क्या बोलेंगे, ये एम क्रॉस एन लिखा है ना, तो इसको एम क्रॉस एन ना बोल के एम बाई एन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एम बाई एन, ये बोलने का तरीका होता है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एम बाई एन, क्या बोलेंगे, एम बाई एन। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है? तो ये रो और कॉलम वाली बात समझ में आई, पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम, ठीक, ये क्लियर है? अच्छा अब देखो यहां पर एक चीज हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिख दी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पे कितनी रो है, रो वन रो टू, दो रो है। अच्छा कॉलम कितने हैं, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तीन कॉलम है। मैं इसका बताऊं, मैं पूछूं कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें, दो रो है और तीन कॉलम है, तो टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ये क्लियर है? ठीक है, कोई भी बना सकते हो आप। अगर मैं यहां पे और नंबर बढ़ा लू, चलिए यहां पर लिख लेता हूं सेवन एट नाइन कर लेता हूं, ठीक है, और बढ़ा लेता हूं। अब भैया बताओ यहां पे रो कितनी हो गई, रो वन रो टू रो थ्री हो गई, और कॉलम भी तीन हो गए, तीन कॉलम तीन रो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री बाई थ्री। और थ्री बाई थ्री का मतलब, जैसे देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो नाइन आता है, तो चेक कर लो यहां पे नाइन एलिमेंट्स है ना, नाइन चेक करो, ये तीन तीन छह तीन नौ, नाइन एलिमेंट्स है कि नहीं है।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया क्या चीजें? क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, यह मान लीजिए आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे यहां पे गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू टू आई प्लस जे। क्या लिखा है? ए आई जे इज इक्वल टू टू आई प्लस जे फॉर मैट्रिक्स ऑफ थ्री बाई टू ऑर्डर। हमें यहां पर ये एलिमेंट गिवन है, ठीक है, और कहा गया है हमें क्या बताना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, थ्री बाई टू होना चाहिए। तो थ्री बाई टू का मतलब थ्री क्या होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए और टू कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा तो पहले एक बात तो समझ में आ गई कि हमें तीन रो बनानी है और दो कॉलम बनाने हैं, और मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो चलो भाई बना लिया। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने पढ़ा था ना जो मैट्रिक्स होती थी किस टाइप से, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती थी ऐसे होती थी, ए वन वन, ए वन टू, और कॉलम देखो कितने होने चाहिए, दो ही कॉलम होने चाहिए। तो चलिए दो ही कॉलम बना रहा हूं, दो कॉलम है ना, एक कॉलम दो कॉलम, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, वो तीन होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए वन वन ए वन टू हो गया, उसके बाद में यहां पर क्या होगा, ए टू वन ए टू टू होगा, और फिर ए थ्री वन ए थ्री टू होगा, ऐसे तो पढ़ते थे। अब चेक कर लो यहां पर, ध्यान से देखो कितने यहां पर रो कितनी है, रो वन रो टू रो थ्री, और कॉलम कितने हैं, कॉलम वन कॉलम टू है। अच्छा लेकिन अब ये इसका आंसर नहीं है, ठीक, ये तो एक पता करने का तरीका है। अब देखो कैसे हम लिखेंगे उनको, यहां पर समझो वन वन आई जे, आई का मतलब भी देखो यहां पर वन है और जे का मतलब भी वन है, तो कैसे लिखेंगे यहां पर, ए आई जे कितना है, टू आई प्लस जे को बताया था ये, तो हम यहां कैसे लिखेंगे, ए वन वन, अगर मुझे वन वन निकालना है तो ध्यान से देखो बच्चों, आई का मतलब भी वन हो गया और जे का मतलब भी वन हो गया, तो ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करें तो कितना आएगा, टू इंटू वन प्लस वन, तो ये कितना आएगा, थ्री आएगा। तो ये जो पहला लेटर पहला नंबर होगा ये कितना आएगा, थ्री आएगा, इसके अकॉर्डिंग आई बात समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम वन टू की बात करें तो आई की वैल्यू वन है, ये पहला रो और दूसरा कॉलम, और जे की वैल्यू टू है ना, तो हम फिर यहां पे पुट करेंगे इसमें टू आई प्लस जे में, तो टू आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू हो गई टू, तो ये कितना हो जाएगा, फोर, तो दूसरा नंबर कितना आया, फोर आया। इसी तरह से टू वन निकालना हमें, तो टू वन कैसे निकलेगा, बात समझ में आ गई, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यहां पर रखिए आई की जगह पे, आई की जगह पे टू रखेंगे तो कितना होगा, टू टू सा फोर प्लस वन, ये फाइव आएगा। चलिए यहां पर रखते हैं, इसमें आप आई की जगह पे ए टू टू निकालना है, ए टू टू, तो आई की जगह पे टू रखेंगे, टू टू सा फोर, फोर प्लस टू सिक्स आएगा। अब थ्री वन पे आते हैं, यहाँ पे थ्री वन रखेंगे तो कितना आएगा, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, थ्री टू करते हैं, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू, ये कितना आएगा, एट आएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे देखो तीन रो है, एक दो तीन, और ये दो कॉलम है, तो भैया वो मैट्रिक्स कौन सी हो गई, इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा आया तो थ्री बाई टू ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, जी हाँ ये मैट्रिक्स बनेगी। आई बात समझ में, ये क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम समझते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से। तो बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बताया ना मैट्रिक्स के बहुत से टाइप्स भी होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स है वो समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो ना, सर एक शेप होता है इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, मतलब जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं, और सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम अगर मैट्रिक्स में आए तो वही रेक्टेंगल से ही बना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसके लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का मतलब समझिए ध्यान से क्या कहना चाहता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन, मान लीजिए एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का मतलब पता है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, मतलब एम और एन इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिख दिया टू थ्री फोर, यहां पे मैंने लिख दिया सेवन नाइन टेन, तो यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखें यहां पे रो तो दो है लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम तीन है, तो बताओ भाई क्या यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है,
रो और कॉलम बराबर नहीं है, दो रो है और तीन कॉलम है, बराबर है नहीं है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? जी हाँ, क्या बोलेंगे बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जैसे आपने पढ़ा ना, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप धीरे धीरे समझो, पहले जैसा ही ये सब कुछ, कुछ बदल के नई चीज नहीं आ रही है, बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हो, बराबर होते हो। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने लिखा 7 4 3 2, चक्कर लो इसका ऑर्डर, ये 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें दो रो है और दो कॉलम है, दो रो है दो कॉलम। इसी तरह 3x3 की बना सकते हैं, 4x4 की बना सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, उसके बाद में आते हैं रो मैट्रिक्स। किसमें आते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का साफ सा मतलब पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम तो है ही नहीं। जैसे मैं यहां पे एक मैट्रिक्स को लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक रो है, इसमें कॉलम है नहीं है, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक, जिसमें सिर्फ एक रो हो कॉलम ना हो। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर भी पता करना चाहूं, ठीक है, अगर आप ऑर्डर भी पता करो, तो भैया ध्यान से देखो, इसका एक ही रो चल रही है, एक ही रो है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आते हैं बच्चों कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, ध्यान से देख लो, इसको कॉलम वाइज लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? कॉलम वाइज। ऐसे ऐसे देखो, ये रो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लिखा था हमने, और कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे ही ऑर्डर होगा, मगर क्या होगा, इसको कॉलम में लिख देंगे, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। आई बात समझ में? तो ये चारों मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर, कोई डाउट? अच्छे से आ गई, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, इन सबको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अभी ये सब काम आने वाली है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बच्चों समझते हैं हम लोग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। पहले बात को ध्यान से समझो, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखिए डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहली बात तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे? बराबर होते थे, तभी हम डायगोनल बना सकते हैं, उसकी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख लो, ऐसे लिखेंगे ना, A11, A12, A13, ठीक। चलिए यहाँ पे कितना आएगा? A21, A22, A23, यहाँ पे कितना आएगा? A31, A32, A33, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं डायगनल की बात करूं, तो डायगनल तो ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है ना। अगर मैं कहूं भाई डायगनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोल्डी है, ऐसे और ऐसे जाएगी ना, जो डायगनल खींचेंगी तो उनको तो बोलते हैं डायगनल, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। डायगनल ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें हम डायगनल कहां से लेते हैं, ध्यान से देखो, इस साइड से, लेफ्ट से ना, लेफ्ट का ये टॉप है, लेफ्ट के टॉप से स्टार्ट करते हैं और ये एकदम बॉटम राइट तक जाते हैं, लेफ्ट के टॉप से लेकर के बॉटम राइट तक जाते हैं, तो इसको डायगनल बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। इसका रीजन ये है, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, A11, A22, A33, दिख रहा है? अच्छा इधर आओ, A13, A22, A31, यहां पे डायगनल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है जिसके आई और जे, मतलब जिसमें देखो आई और जे होता था, आई और जे दोनों सेम टू सेम है, मतलब रो और कॉलम क्या हो, सेम टू सेम हो, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, दिख रहा है? लेकिन यहां पे कराओ पहला रो तीसरा कॉलम है, ऐसा तो है नहीं, अलग अलग, चलिए यहां पर तो मानता हूं, लेकिन यहां पर तो फिर चेंज हो गया, तो हम ऐसे ना चल के ऐसे चलेंगे, इसको बोलेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आई? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कैसे चलेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट के टॉप से और बॉटम राइट तक जाएंगे,
जिसमें आई और जे दोनों इक्वल होते हो, ऐसा समझ सकते हो। आई मतलब रो और कॉलम के जो ये ना पोजीशन दोनों इक्वल होते हो, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में अगर डायगनल ऑफ मैट्रिक्स समझ में आई है तो हम समझते हैं डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो बहुत आसान है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगनल में तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख लूं 7, यहां पे मैं लिख लेता हूं, चलो मैं लिख लेता हूं 4/5, भाई अपॉन में भी नंबर हो सकता है, और यहां पे नंबर लिख लेता हूं 2। ठीक, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, जीरो होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? डायगनल ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब, डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगनल में तो एलिमेंट्स होते हैं, दिख रही है, डायगनल में तो एलिमेंट है लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जी हाँ, जीरो हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। देखो सब पता चल रहा है डायगनल में है नंबर, बाकी तो है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, जी हाँ, क्या बोलेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। ये क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगनल मैट्रिक्स के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके डायगनल के एलिमेंट सेम टू सेम। क्या था मैंने स्केलर मैट्रिक्स, जैसे मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखी जिसके डायगनल के एलिमेंट सेम टू सेम हो और बाकी जीरो। ध्यान से देखो, जैसे यहां पर कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया कोई भी नंबर, चलो लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं, यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 7, बाकी सारे नंबर क्या हो गए, जीरो हो गए। बात समझ में आई? अब इसमें और डायगनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस, क्या मतलब सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है? भाई डायगनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, जैसे अभी देखो मैंने लिखा था डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स क्या होती थी, सारे एलिमेंट तो जीरो होते थे लेकिन डायगनल में कुछ भी हो सकता था। भाई मैंने यहां पे लिख दिया 4 3 7 लिख दिया, यहां 0 0 0 0 0 0, ठीक है, डायगनल में तो एलिमेंट्स हैं लेकिन क्या ये एलिमेंट सेम टू सेम नहीं है ना, नहीं है, ठीक। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, इसके डायगनल के एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक, तो इसके स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आई, क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आएगा बच्चों इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ध्यान से समझते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ये क्या है, ध्यान से समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगनल में सिर्फ 1 1 1 आता हो, ध्यान से देखो बाकी एलिमेंट्स जीरो हो गए, बाकी एलिमेंट्स तो जीरो है लेकिन जिसके डायगनल में 1 1 1 आता हो। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, स्केलर में भी तो सेम टू सेम हो रहा था, बिल्कुल सही है, लेकिन स्केलर में तो कोई भी नंबर लिखा जा सकता है ना डायगनल में, मतलब सेम टू सेम नंबर लेकिन कोई भी, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, सिर्फ 1 1 ही होता है। ध्यान से समझो, जैसे अभी मैंने आपको स्केलर बताई थी, तो स्केलर ऐसे तो लिखा था मैंने, जैसे मान लो यहां पे 3 है 0 0, ठीक है, फिर यहां पे 0 3 0, फिर यहां पे 0 0 3, ठीक, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है मानता हूं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल में सिर्फ 1 1 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 1 1, और कुछ नहीं हो सकता। तो एक तरह से देखो ये क्या, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, अच्छा ध्यान से देखो बात को समझो, जिसके डायगनल में सिर्फ 1 1 1, क्या हो, डायगनल में 1 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना है, उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई, इसके अलावा कोई भी और नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स तो है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स तो है, मानता हूं स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में 1
कोई भी नंबर हो सकता है और सिर्फ अगर स्पेशली 111 आ रहा है तो उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा एक चीज और समझ लो बच्चों, इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये कितना है, 3x3 ऑर्डर है, 3 रो 3 कॉलम, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं I3 करके। बात समझ में आई? अगर इसी तरह से मान लो 2 भी होता, अगर दो ऑर्डर की होती जैसे 1001 होती तो इसको 2x2 ऑर्डर है तो इसको I2 बोलते हैं। इसी तरह अगर 4 क्या हो, 4 रो और 4 कॉलम हो तो उसको I4 लिखेंगे। बात समझ में आई? ये क्लियर है? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। क्या होते हैं? सारे एलिमेंट्स जीरो, जीरो 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 जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा अब समझते हैं इसमें एक चीज और, थोड़े से अलजेब्रा समझते हैं। अलजेब्रा का मतलब कैसे आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे या माइनस करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, बात समझ में आ रही है, डिवाइड करोगे, तो कैसे इसकी अलजेब्रा क्या होती है वो समझते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज और यहां पे हम समझेंगे। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में यहां पे ऐसे कह दिया गया ए बी और यहां पे कह दिया गया सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, और एक दूसरी दे दी गई है मैट्रिक्स बी दे दी गई है और यहां पे कहा गया 2 4 7 3, ठीक, और ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या थी, ए बी सी डी थी, थी ना, और बी मैट्रिक्स क्या थी, 2 4 7 3 थी। अब मैं पूछूंगा ए की वैल्यू बताओ, तो ये दोनों तो मैट्रिक्स इक्वल है भाई, ए जो है वो बी के इक्वल है, तो ए की वैल्यू देखो, इसका पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, तो ए किसके इक्वल होगा, 2 के, बी देखिए दूसरा एलिमेंट, तो यहां पे भी दूसरा एलिमेंट, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह से सी किसके इक्वल होगा, 7 के, और डी इक्वल होगा 3 के, ठीक, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर है? इस तरह से आपको निकालने के लिए आएगा तो आप कर लोगे, क्लियर है? हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब काम करेगा, जब दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम टू सेम हो, ठीक है, उनकी पोजीशन भी सेम टू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि इसका ऑर्डर 2x3 हो जाए और इसका ऑर्डर 3x2 हो जाए तब आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं समझे? देखिए ध्यान से समझने बताता हूं। जैसे देखो, अगर मैं इसका ऑर्डर समझू, ये ऑर्डर कितना है, 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है, अच्छा, और बी मैट्रिक्स यहां पे दे दी गई, चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं 1 2, यहां पे मैंने लिख दिया 3 4 और यहां पे लिख दिया 5 7, ठीक है भाई। अच्छा इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, ए बी सी और यहां पे लिखते हैं डी ई एफ, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसका ऑर्डर बताइए कितना है, इसका ऑर्डर है 2x3 और अगर आप ध्यान से देखें इसका ऑर्डर है 3x2। अब मैं आपसे यहां से कहूं ए की वैल्यू बताओ, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो हो नहीं सकती आपस में, चलो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका एलिमेंट एलिमेंट चलो ए चलो 1 के इक्वल हो गया, बी 2 के इक्वल होगा, अब सी कहां से निकालोगे क्योंकि आगे तो है ही नहीं। बात समझ में आई? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहां काम करती है, जब सेम टू सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक। अगर इधर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है तो इधर भी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स चलनी चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कहा जाए, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है जैसा कि अभी तक आप करते आए हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स है A is equal to 7 4 3 2 2 1 1 4 3, ठीक है, ऐसे एक मैट्रिक्स दी गई और एक मैट्रिक्स दी गई B, ठीक है, B मान लो यहां पर दिया गया कितना 2 2 7 3 2 4 1 1 1 और कहा गया इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस होता है जैसे अभी तक आपने ऐड करना सीखा है ना, तो बिल्कुल वही चीज है। यहां पर भी आप a प्लस बी अगर करोगे, मान लीजिए a प्लस बी को ऐड करके क्या c आता है, ठीक है,
ठीक है, सी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है दोनों का सम, तो ये सी क्या हो गया, स्किप करूंगा, तो फिर वही चीज, पहला एलिमेंट 7+2 9 आएगा, देखो यहां पहला एलिमेंट 4+2 6 आएगा, 3+7 10 आएगा, ये सेकेंड एलिमेंट, यहां भी सेकेंड एलिमेंट 2+3 5 आएगा, 2+2 4 आएगा, 1+4 5 आएगा, 1+1 2, 4+1 5, 3+1 4, आई बात समझ में, ये क्लियर, अच्छे से समझ में आया। अच्छा, इसी तरह से सेम टू सेम माइनस की भी कहानी होगी, अगर प्लस की जगह माइनस करने को कहा जाए तो भी सेम टू सेम करेंगे, ये चीज क्लियर है। अच्छा ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो हम समझते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो समझते हैं क्या है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझते हैं क्या है, है ना, क्या है समझते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो बच्चों आपको एक मैट्रिक्स ऐसे यहां पे गिवन है, ठीक है, मैं लिखता हूं एक मैट्रिक्स, चलिए 1 2 3, ठीक है, और यहां पे मैं लिख लेता हूं 3 2 1, ठीक, ये एक मैट्रिक्स है, आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, है ना, इसका ऑर्डर नाम से बता देंगे, यहां पे देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, बात समझ में आई। चलिए मैं दूसरी मैट्रिक्स लिख लेता हूं, यहां पे बी मैट्रिक्स लिख लेता हूं, ठीक, इसको लिख लेते हैं ऐसे 4 2 2 4 2 2 3 7 1, और यहां पे लिख लेते हैं 1 2 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो आप ऑर्डर बता सकते हैं कितना है, इसका ऑर्डर देखिए 3 रो है 1 2 3 3 कॉलम है, तो कितना है 3/3 का ऑर्डर है ना, 3/3 का ऑर्डर है, और ये 2/3 का ऑर्डर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई निकालना है। तो चलिए भैया कैसे लिखेंगे समझते हैं, पहले ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी निकालना है ना, समझते, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले ए कितना है, ए है 1 2 3, यहां पे लिख लेते हैं ए 1 2 3, और फिर आइए 3 2 1, ठीक है, दिख रहा है, अच्छा, और बी कितना है, बी है बच्चों 4 2 2 3 7 1 1 2 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक चीज आप यहां पे नोटिस करो, इसका ऑर्डर कितना था 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, अच्छा इसका ऑर्डर कितना है 3/3, एक चीज आपने नोटिस की, देखो इसका ये तो रो ये कॉलम, यहां पे 3 से यानी जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से इसका ऑर्डर शुरू होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है कि जो यहां पे कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ रो सेम टू सेम होना चाहिए, क्या कहा मैंने, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं समझाता हूं कैसे, देखिए ये 3 से खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, अगर जैसे 2/3 की मैट्रिक्स है और दूसरी वाली मैट्रिक्स में मैं 2/3 लिख लेता, जैसे 2/3 है और दूसरी वाली मैट्रिक्स में अगर मैं 2/3 लिखूं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी हम समझते हैं। पहले ध्यान से देखो, इसमें 3 से खत्म हो रहा है और ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ लो ये 3 से 3 कैंसिल, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 का होगा, क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा 2/3 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 3 3 कैंसिल 2/3 का मैट्रिक्स होगा, समझते हैं कैसे। अब देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझो, हम ऐसे एल शेप होता है यू ऐसे उल्टा है, मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम ऐसे दिख रहा है, ये इस टाइप से चलते हैं, ये रो ये कॉलम, इसी तरह से आगे भी चलेंगे। तो कहने का मतलब है पहला एलिमेंट पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 4, दिख रहा है ये 1 × 4, तो कितना आएगा 4 आएगा, 1 × 4 पहला नंबर
फोर, उसके बाद में रहता है ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ये दूसरा नंबर टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा और इनके बीच में लगेगा प्लस, क्या लगेगा प्लस लगाना है, बात समझ में आ रही है। तो टू मल्टीप्लाई होगा थ्री से तो आएगा कितना सिक्स, और फिर देखो थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से तो कितना आएगा थ्री आएगा, बात समझ में आई। रो कॉलम, रो कॉलम ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, अब देखो यही रो जो होगी, यही रो होगी किसके साथ जाएगी, इसके साथ कौन जाएगी, कहां पर भैया, अभी तो पहली रो चली रही है, ये पहली रो इन तीनों से होगी बारी बारी से, इससे तो हो गई ठीक है, इससे तो कर लिया, अब टू सेवन टू से भी करना पड़ेगा, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, बात समझ में आई, ऐसे एल शेप में चलेंगे उल्टा है ठीक है। तो ये तो हो गए, अब वन को करते हैं टू से, वन को करेंगे टू से, दिख रहा है ना ये रो कॉलम, तो वन को टू से किया तो कितना मिल गया टू मिल गया प्लस, फिर टू को सेवन से करेंगे तो कितना मिलेगा फोर्टीन प्लस, फिर थ्री को टू से करेंगे तो कितना मिलेगा सिक्स मिलेगा, बात समझ में आई, इतना क्लियर है। अच्छा अब ये दोनों से हो गया, अब ये लास्ट नंबर इससे करेंगे, देखो वन को टू से करेंगे तो कितना आएगा टू आएगा, फिर टू को वन से करेंगे वापस हमें टू मिल जाएगा, और फिर थ्री को फोर से करेंगे तो कितना मिलेगा जी हाँ ट्वेल्व मिल जाएगा, इतनी बात समझ में आई। रो कॉलम, रो कॉलम ठीक। इसी तरह देखो आप ये ऊपर वाले नंबर से तो हो गया, अब यहां से चलते हैं, जो सिस्टम मैंने यहां से किया था वही सिस्टम अब मैं यहां से भी करूंगा, रो कॉलम, रो कॉलम बारी बारी से करेंगे ना। तो देखो रो ये पहला नंबर है थ्री, तो पहला नंबर पहला नंबर, थ्री फोर जा कितना आएगा ट्वेल्व, फिर टू को थ्री से करेंगे कितना आएगा सिक्स आएगा, और फिर वन को वन से करेंगे कितना आएगा वन आएगा, आई बात समझ में, रो कॉलम ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, जब पहला नंबर पहले से तो हो गया ना, ये पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर दिख रहा है इधर दिख रहा है। अच्छा अब ध्यान से समझो, अब क्या करते हैं इसमें, पहले से हो गया अब सेकंड पे आते हैं, थ्री को करते हैं टू से, तो देखो ये पहला रो अब सेकंड कॉलम आ गए, तो देखो थ्री को टू से करेंगे, थ्री को टू से करेंगे कितना मिलेगा सिक्स मिलेगा, टू को सेवन से करेंगे कितना मिलेगा फोर्टीन मिलेगा, और वन को टू से करेंगे तो वापस हमें टू मिलेगा, ठीक क्लियर है। अब ये सेकंड कॉलम भी हो गया ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम पे आएंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब देखो थ्री को टू से करो ऐसे ऐसे चल रहा है ये तो थ्री को टू से किया तो कितना मिला सिक्स, टू को वन से किया तो कितना मिला टू, और वन को फोर से किया तो कितना मिला फोर, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मैं ऐड करके लिखना है, अब ध्यान से देखो छह और चार दस तीन, ये कितना हो गया थर्टीन हो गया, ये कितना है बच्चों फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू हो गया है ना, यहाँ पे देखो बारह दो चौदह दो सोलह हो गया, यहाँ पे देखो बारह छह अठारह और एक उन्नीस हो गया, ये कितना हो गया, ये तो वापस ट्वेंटी टू हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो छह दो आठ और आठ चार बारह हो गया, मैंने क्या बताया था देखो ये थ्री से थ्री कैंसिल होगा, टू इंटू थ्री टू बाई थ्री का ऑर्डर आएगा, चेक कर लो देखो दो रो है और तीन कॉलम है, आई बात समझ में, दो रो तीन कॉलम, क्लियर हुआ बात समझ में आई, यानी जिस मतलब जो इसका कॉलम होगा पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं, ये क्लियर है बात समझ में आई, आप इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए मैं समझाता हूं, आगे देखते हैं। जैसे बच्चों की मैंने बताया भी आपको, एक मैट्रिक्स मान लीजिए हमें गिवन है, ध्यान से देखिए मैट्रिक्स गिवन है टू फोर थ्री टू ठीक है, यहाँ पे लिख लो वन और यहाँ लिख लो थ्री ठीक, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है टू बाई थ्री ठीक। अच्छा मैंने एक मैट्रिक्स और लिखी जिसका ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम है ठीक है, सेम टू सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं को अगर इनको आप मल्टीप्लाई करो भाई, आप इनको मल्टीप्लाई करो, चेक करो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये टू फोर वन थ्री टू थ्री ठीक है। अच्छा
और दूसरा कितना है ये 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/3। अब देखो ये 3 से इसकी ये रो ये कॉलम, कॉलम का जो ऑर्डर मतलब कॉलम जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कॉलम यहाँ पे रो कितने हैं, 2 है। अब भाई अगर ये मैंने क्या बताया था, पहले वाले एलिमेंट्स के कॉलम और दूसरे वाले पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम टू सेम होना चाहिए, जहां से ये खत्म होगा वहां से ये स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, चाहे आप चेक करके देख लो। ठीक है, चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा लिखते थे, है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, इस टाइप से चलते हैं ना, ऐसे एल शेप में चलते हैं यूं करके। अब देखो पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट से 2 × 1 चलिए 2 आया, प्लस 4 × 4 कितना आया 16, 1। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पे तो नंबर ही नहीं दिख रहा भाई, हमें ऐसे चल रहा है ना, इस टाइप से चल रहा है यूं करके, ऐसे तो चल रहा है। चलिए 2 1 के साथ हो गया 2, 4 4 के साथ हो गया 16। अब 1 को किसके साथ करूं, नहीं कर सकता ना, उनके नंबर ही नहीं है, है ऐसा नहीं। तो बात समझ में आई कि जो पहली मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स होगा उसका रो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई जी हाँ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है, आई बात समझ में, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है, अच्छा ध्यान से देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यहां पे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स गिवन है और इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक। तो पहली चीज ट्रांसपोज को बच्चों ऐसे लिखते हैं ए डैश, ऐसे कर लेते हैं ए डैश, ठीक। और अगर ऐसे भी लिखना है तो आप इसको कभी कभी ऐसे लिख सकते हो ए और ये पावर में टी लिख देते हैं, इसका मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए दोनों का मतलब सेम टू सेम है। अब ये क्या चीज होती है समझते हैं, ठीक है, ए ये मैट्रिक्स है और हमें कहा गया इसका ट्रांसपोज बताना है, इसको ऐसे लिख दिया ट्रांसपोज। तो देखो बच्चों ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम बन जाएगा, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम है वो रो बन जाएगा। जैसे देखो ये 1 2 ऐसे रो में चल रहा था, अब ये कॉलम में चलेगा 1 2, ये 3 4 रो में चल रहा था, अब ये कॉलम में चलेगा ऐसे 3 4, आई बात समझ में, तो इसको क्या पढ़ते हैं ट्रांसपोज पढ़ते हैं, बात समझ में आई, ठीक है, जो रो था वो कॉलम बन गया, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ए इज इक्वल टू, चलिए यहां पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लिया, ठीक। अब कहा गया इसका ट्रांसपोज बताओ, तो ट्रांसपोज को ऐसे लिखना है ए ट्रांसपोज, तो देखो ये रो चल रहा था अब ये कॉलम चलेगा ऐसे 1 2 3, ये रो वाइज चल रहा था अब ये कॉलम वाइज चलेगा, ठीक। तो जो रो था वो कॉलम बन गया था, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ये क्लियर, अच्छा अब आगे समझते हैं इसकी बात। अब बच्चों देखिए ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको ऐसे कहा जाए ए ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। बात को समझते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स यहां पे गिवन है ए, ये गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे गिवन है, अच्छा अगर मैं कहूं इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, ये जो रो चल रही है कॉलम में आ जाएगा, ये रो है ना ये कॉलम में आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये रो जो था कॉलम बन गया, ये रो था ये कॉलम बन गया, बन गया, अच्छा। अब अगर दोबारा से इसका ट्रांसपोज करने को कहा जाए, ये ट्रांसपोज है ना, फिर से इसका ट्रांसपोज करना पड़े, तो फिर से जब इसका ट्रांसपोज करेंगे बैठिए ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये रो दिख रहा है ना ये रो, तो ये कॉलम हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 3, फिर ये 2 4, तो चेक कर लो ये क्या चीज है, वापस आ जाएगी ना ए मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई ट्रांसपोज की, क्या होगी कि ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ये क्लियर, अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात समझ लें, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया, क्या रूल हो गया कि आप
ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हो ए, उसका ट्रांसपोज करना पड़े, फिर प्लस दूसरी मैट्रिक्स बी है और इसका ट्रांसपोज करना पड़े, ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होगा आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, यहां पर लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है, और मान लीजिए बी भी एक मैट्रिक्स है, यहां पे कुछ भी लिख लेते हैं, चलो 4 3 7 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका ट्रांसपोज करना, क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो ये 1 2 है तो ऐसे हो जाएगा, 1 2 ये 3 4 था तो ये ऐसे हो गया, रो था वो कॉलम बन गया। इसी तरह से अगर b का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 3 था, ठीक है, रो था ये कॉलम बन गया, ये रो था ये कॉलम बन गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, a प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक, a प्लस b, तो पहले एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इनको ऐड करता हूं, इनको ऐड करके लिखूंगा तो कितना आएगा, देखो 1 ये पहला नंबर ऐड होगा ना, तो 1 प्लस 4 5 आएगा, ये 3 प्लस 7 ऐड होगा तो 10 आएगा, 2 प्लस 3 ऐड होगा तो बच्चों 5 आएगा, 4 प्लस 9 ऐड होगा तो 13 आएगा, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कितना आ गया, 5 10 5 13। चलिए इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कितना आया था, 5 10 5 13, ठीक है, ये बात समझ गई। चलिए अब ये किसके इक्वल है, क्या बताया मैंने, ये चीज a प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो पहले a प्लस बी कर लें, a प्लस बी ये काम करते हैं, इसको ऐड कर दें, देखो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 अगेन 5, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 9 13, और फिर क्या कह रहा है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो चलिए a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 5 है तो कैसे ऐसे हो जाएगा ना, 5 5 रो कॉलम बन गया, और ये क्या हो जाएगा, 10 रो था कॉलम बन जाएगा, 10 13, देखिए चेक कर लो, वही चीज आई है, आई बात समझ में, ये क्लियर है। अच्छा तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी, आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों, आगे क्या है, अगर देखिए आपको मिले ए बी ट्रांसपोज, क्या कहा जाए, ए बी ट्रांसपोज, तो हम इसको कहते हैं, इधर देखिए पीछे से चलते हैं, पीछे से चलेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के, बात समझ में आई, ये पहला रूल हो गया, ये सेकंड रूल हो गया, और ये थर्ड रूल हो गया, ठीक, बात समझ में, a b, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई करना है, a b को आप मल्टीप्लाई कीजिए उसमें ट्रांसपोज निकालिए, तो किसके इक्वल होगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होगा, क्लियर। अच्छा तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ रूल क्या होगा, जैसे आपको लिखा हो k a ट्रांसपोज, k इनटू a, k क्या है, कोई नंबर हो सकता है, k इज अ नंबर, क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो a तो एक मैट्रिक्स है ही, क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, ठीक, और k कोई नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए k 7 है, तो भैया अगर आप ऐसे करोगे ना k a, तो k a का मतलब कितना हुआ, k तो हो गया 7 और a हो गया कितना, 1 2 3 4 हो गया ना, अब ये 7 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो k a कितना आएगा, जल्दी बताओ, k मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो कितना, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, तो k ये आया, k ये आया ना, अब इसका अगर ट्रांसपोज करना पड़े, क्या करना पड़े, ट्रांसपोज, तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे आएगा, ये 7 14 21 28, ऐसा आएगा ना, ये हो जाएगा, तो ये बच्चे किसके इक्वल होता है, k ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है k a ट्रांसपोज, किसके, k a ट्रांसपोज के, बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, k a, ये देखिए पूरा होल ट्रांसपोज किया है, फिर किसके इक्वल होता है, k a ट्रांसपोज, चलिए समझ लेते हैं, देखिए यहां पे कितना आया, k a ट्रांसपोज, k a ट्रांसपोज तो ये है ना, जो यहां पे कहीं लिख लेता हूं मैं इसको, k a ट्रांसपोज कितना आया, k a ट्रांसपोज 7 21 14 28, ठीक है भाई। अच्छा अब हमें क्या करना है, k a ट्रांसपोज, तो a कितना माना था मैंने, अभी लिखा था ना मैंने 1 2 3 4,
ऐसा लिखा था ना ए। अच्छा अब बात को समझो, के ए ट्रांसपोज, तो पहले हम इसका ट्रांसपोज कर ले, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो कितना आएगा, ये 1 2 3 4 आएगा। अब इसमें के से मल्टीप्लाई करो, के कितना था 7, के कितना था 7। अब इसमें अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे के ए ट्रांसपोज, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 3 2 4, तो बच्चों कितना मिलेगा ये चेक करो, 7 1 7 7 3 21, 7 2 14, 7 4 28। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या देखो सेम टू सेम मिल रहा है, सेम टू सेम है, तो ये क्या हो गई इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। बात समझ में आई? तो ये ट्रांसपोज की कहानी हो गई सारी, क्लियर है। तो यहां तक के बच्चों क्वेश्चन आपके बुक में जो दिए होंगे जो ट्रांसपोज पे बेस्ड होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, सम करना होगा, करना होगा ना, या फिर सबट्रैक्ट करना होगा, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस करनी होगी, ट्रांसपोज निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है, उस जितने भी क्वेश्चन है उन सबको लगाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, और जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है इनको आप किसी मतलब एक कॉपी उठाइए, डायरी उठाइए, उसमें अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो जितने भी मैंने जिस टाइप के अभी आपको जितने भी रूल बताए और जितने क्वेश्चन बताए उन सब की प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कितनी आसानी से ये चीज आपको आ जाएगी। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू।